नमस्कार, रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हैशटैग आसिफा, हैशटैग निर्भया, हैशटैग हासिनी, हैशटैग पुल्लाची, हैशटैग 4 साल की बच्ची, हैशटैग 6 साल की बच्ची, हैशटैग 1 महीने की बच्ची, इसी तमाम भूल भुलैया में एक और नाम शामिल हुआ है, हैशटैग त्रिवेणी, उम्र है सिर्फ 4 साल। मैं उड़ीसा से आया काम करने के लिए। मैं बाल बच्चा पकड़ के मैं आया था। मैं आके 4 साल हो गया है मेरा बच्चा को आने से। उड़ीसा से मैं गरीब आदमी हूँ, आके मैं ऐसा तकलीफ हो गया, मेरा बच्चा को मार दिया है। माता पिता 6 साल पहले चेन्नई पहुँचते हैं नौकरी की तलाश में। नौकरी भी मिल जाती है एक ईंट की भट्टी में। त्रिवेणी पैदा होती है, त्रिवेणी यहीं पर खेलती कूदती है, उम्र हो चलती है 4 साल। 14 जुलाई 2019 को वहीं पर काम करने वाले कुछ लोगों के साथ त्रिवेणी दुकान तक पहुंचती है। त्रिवेणी को जो लोग लेके जाते हैं, जब वो शाम को पहुंचते हैं तो त्रिवेणी उनके साथ नहीं होती है। पता ये चलता है कि वहीं पर काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम है निराकर, वही त्रिवेणी को बाइक पर लेके गया था। निराकर से जब ये पूछा जाता है तो निराकर ये कहता है कि नहीं, त्रिवेणी मेरे साथ जरूर गई थी, लेकिन वहीं पर से मैंने उसको वापस लौटा दिया था। हमारे ही साथ जो एक और साथी काम करता था उसके हाथ मैंने त्रिवेणी को भेज दिया था। जब ये खबर बाहर आती है तो तमाम जितने भी मजदूर हैं ये सब लोग त्रिवेणी को ढूंढने में जुट जाते हैं। वहीं के मैनेजर की मदद से पुलिस थाने तक भी रपट पहुंचती है। पुलिस भी इस पूरे मसले को संज्ञान लेते हुए ढूंढना शुरू कर देती है। अंततः हताशा ही हाथ आती है, त्रिवेणी नहीं मिलती है। अगले दिन सुबह जो पड़ोस की एक और ईंट बनाने वाली भट्टी है, वहां के लोग शोरगुल करते हैं, इन लोगों को इत्तला देते हैं कि वहां पर एक लाश पड़ी है। भाग कर जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वो जो लाश है वो किसी और की नहीं, इस मासूम 4 साल की त्रिवेणी की ही है। इसके बाद फौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस जो लाश है उसको अपने हाथ लेती है, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले अगले 2 घंटे में त्रिवेणी को दफना दिया जाता है। पुलिस से जब हमने ये पूछा तो पुलिस का ये कहना है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में और 10 दिन लग जाएंगे। जब आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि त्रिवेणी की लाश को दफना दिया जाए? और जिस तरह का इसमें जो सेक्शन धाराएं लगाई गई हैं वो हैं आईपीसी की धारा 174, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता है कि एक लाश जो पड़ी हुई मिली है, संदिग्ध हालत में जिसकी मौत हुई है, बस वो, उसमें किसी और तरह की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। एक शख्स को पूछताछ के नाम पर जरूर गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है निराकर, और इस पूरे केस पर एक ही धारा लगाई गई है आईपीसी की 174, जबकि यहां पर कई और सारी धाराएं लगनी चाहिए थी। जैसे कि सबसे पहला जो इस केस के ऊपर जो धारा लगनी चाहिए थी वो थी पॉस्को, यानी मर्डर विद रेप, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग हैं इन लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बच्ची के साथ जरूर रेप हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वो लाश वहां पे फेंकी गई थी, जिस तरह से वो लाश देखी गई थी, उसकी हालत कुछ ऐसी ही थी। उस बच्ची को पीट पीट कर मारा गया था। उस बच्ची की हालत, उस शरीर की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जाती है। चलिए मान लीजिए अगर उस बच्ची के साथ रेप नहीं भी हुआ तो एक और धारा जो कि मर्डर थी वो होनी चाहिए थी। एक और धारा जो किडनैप था वो होना चाहिए था। एक और धारा जो मिसिंग का था वो होना चाहिए था। एक और धारा जो चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड हरासमेंट, जिसके बारे में हमारे तमाम राजनेता छाती पीट पीट कर ये कहते हैं कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं। आखिर ये तमाम धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं? आखिर क्यों एक ही धारा लगाकर इस केस को बंद करने की कोशिश करी जा रही है? आखिर क्यों पुलिस वालों ने इस केस को इतना सीरियसली नहीं लिया जो इस केस को लेना चाहिए था? आखिर क्यों इस केस को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? क्या इसलिए कि ये जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, इनको भाषा नहीं आती है? क्या इसलिए कि इन लोगों का जो राज्य है वो कहीं और है? या फिर इसलिए कि ये गरीब हैं और ये फाइट नहीं कर सकते हैं? इनको कुछ पैसा दें, ये वापस चले जाएंगे अपने गांव और ये केस जो है यहीं पे क्लोज हो जाएगा। मैं उड़ीसा से आया काम करने के लिए। मैं बाल बच्चा पकड़ के मैं आया था। मैं आके 4 साल हो गया है मेरा बच्चा को आने से। उड़ीसा से मैं गरीब आदमी हूँ, आके मैं ऐसा तकलीफ हो गया, मेरा बच्चा को मार दिया है। वही से मेरा ये है, बेसी दुख में मैं हूँ, मेरा हूँ। मेरा नाम अमित है।
बीवी का नाम अवंती है, मेरा लड़की का नाम त्रिवेणी। चार साल का है, 4 साल का उसका थोड़ा मुंह नहीं भी पार्टी भी नहीं फूटता है, आपा आमा ऐसा बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की दुर्दशा देखिए, 2012 में निर्भया केस के बाद एक पॉस्को नामक एक एक्ट लेके आया जाता है। 2012 से 2016 तक जो रेप केसेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, 40,000 रेप केसेस दर्ज होते हैं। 40,000 रेप केसेस में 40% रेप केसेस बच्चों के ऊपर ही होते हैं। पॉस्को एक्ट के हवाले से अगर आप देखें, इस पे फांसी तक की सजा होती है। आखिर कितने लोगों को फांसी की सजा मिली? निर्भया खुद, जिसकी रेप और मर्डर के बाद ये पॉस्को नामक एक एक्ट आया था, उन्हीं लोगों को आज तक फांसी की सजा नहीं मिली। आंकड़े ये बताते हैं 1,33,000 रेप केसेस ऐसे हैं जो आज भी पेंडिंग हैं। आंकड़े ये बताते हैं 98% जो रेप विक्टिम्स हैं वो रेपिस्ट को जानते थे, यानी वो लोग जो रेप करते हैं वो इन लोगों को भली भांति जानते थे। आंकड़े ये बताते हैं कि जो बच्चों के प्रति जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसके प्रति ज़्यादा स्ट्रांग केसेस होते ही नहीं हैं, आराम से वो लोग बेल में बाहर आ जाते हैं और फिर से क्राइम करने लगते। ऐसा ही एक केस हासिनी का 2 साल पहले चेन्नई में हुआ। 7 साल की हासिनी जिसका रेप किया गया, जिसको जला दिया गया, उसको बेल मिल जाती है, बाहर आता है, मां का मर्डर करता है, फिर दोबारा पुलिस उसको गिरफ्तार करके अंदर बंद करती है। आज भी ये जनाब जेल में सुरक्षित हैं, इनको फांसी की सजा नहीं दी गई है। क्या ये हमारा कानून है? क्या ये हमारा हिंदुस्तान है जहां पर हम बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दावे करते हैं? क्या ये वो हिंदुस्तान है जहां पर प्रधानमंत्री से लेके एमपी से लेके एमएलए से लेके विपक्ष तक ये कहता है कि हम बच्चों के लिए संवेदनशील हैं, हम बच्चों के सुरक्षा को लेके बहुत गंभीर हैं? पार्लियामेंट में पॉस्को एक्ट को लेके तब्दीलियां तक कर दी जाती हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है, जो पुलिस वाला है वो इन केसेस को सीरियसली लेते ही नहीं है। जो धाराएं इन पर लगाई जानी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई जाती हैं। क्या हम इसी तरह से ## खेलते रहेंगे? क्या हम इसी तरह से कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? क्या हमारा काम यही है कि हम इस तरह से न्यूज रूम में बैठ के चिल्लाते रहेंगे, आपको इस तरह की घटिया खबरें देते रहेंगे और हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी? क्या हम इतने विफल हो चुके हैं इस पूरे सिस्टम को चलाने में? क्या हमारी सरकार कभी कोई सीरियस स्टेप्स नहीं ले सकती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम के लिए है लेकिन फास्ट ट्रैक काम नहीं हो रहा है। आखिर क्यों 1,00,000 से भी ज्यादा केसेस आज भी पेंडिंग हैं जो रेपिस्ट हैं? आखिर क्यों ये तमाम रेपिस्टों को बेल मिल जाती है और ये बाहर घूम रहे होते हैं? आखिर क्यों सरकार इस पे अपना शिकंजा नहीं कड़ा कर पा रही है? यहां तक कि जो कई सारे ऐसे भी नेता हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा था एक रेप के बाद कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, क्या ऐसे नेताओं को हम पार्लियामेंट तक चुन के भेजते हैं? क्या ये वो सोच है जो हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को सुरक्षा पैदा करने वाली है? क्या ये वो सोच है जो हमारी महिलाओं के प्रति, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उजागर कर रही है? सोचने की बात है। क्या #hashtag काफी होगा इस तरह के रेप केसेस से लड़ने के लिए? क्या #hashtag काफी होगा इस तरह के बच्चों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनको रोकने के लिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पुलिस का यह कहना है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब हम इस पे पॉस्को का जो एक्ट है वो लगा पाएंगे। जो लड़का जो उस बच्ची को लेके गया था उसको सिर्फ पूछताछ के लिए अंदर रखा गया है, उसके ऊपर केस नहीं किया गया है। आखिर क्या गलती थी त्रिवेणी की? आखिर क्या गलती थी अमित और अवंती, जो उसके माता पिता थे, जो एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट तक सिर्फ अपनी नौकरी के लिए पहुंचते हैं? आखिर सरकार नौकरियां क्यों नहीं पैदा कर पाई है? आखिर सरकार क्यों काम देने पर विफल है कि एक इंसान को दूसरे स्टेट तक जाना पड़ रहा है सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए? हिंदुस्तान पे 3 टाइम का रोटी के लिए इंसान कितना तकलीफ पड़ रहा बोल के आप देख सकते। ओडिशा से तमिलनाडु का चेन्नई पे, चेन्नई का आजू बाजू जो भी जगह है इधर बहुत सारे लोग आके काम कर रहे। सिर्फ ओडिशा से नहीं है, पूरा हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग आके इधर काम कर रहे।
ये आज का हाल है। या देखिए, आप जो भी हिंदुस्तान से ये मुल्क पे कहीं भी आके काम कर रहे, इन लोगों को कोई आके काम का सिक्योरिटी नहीं है, उन लोगों का जान का सिक्योरिटी नहीं है। तो आप किस तरह की प्रगति की बात कर रहे हैं, किस तरह की इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? अगर अवंती और अमित को वहीं पर नौकरी मिल जाती तो शायद इस तरह का जो एक्ट है वो रोका जा सकता था। त्रिवेणी बहुत ही एक सुरक्षित वातावरण में पलती, त्रिवेणी को अपना शहर अपना स्टेट छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ता। सरकार को सोचने की ज़रूरत है, लोगों को नौकरियां चाहिए, बच्चों को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को रेस्पेक्ट चाहिए। अगर ये सरकार नहीं दे पा रही है तो शायद सरकार विफल है, इसके जो तमाम जो वायदे हैं वो झूठे हैं और ये साबित हो जाता है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, इसकी पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। खबर चेन्नई से आती है इस वजह से जो तमाम बड़े मीडिया हाउसेस हैं इसको नहीं दिखाते हैं। हम चाहेंगे इस खबर को आप रिस्पॉन्सिबल बनकर आगे शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि त्रिवेणी की आवाज पूरे हिंदुस्तान में फैले। आखिर जो ये त्रिवेणी का जो केस है पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचे, और जो त्रिवेणी का केस है इसको जो इंसाफ मिलना चाहिए, इसके माता पिता को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो मिले। बने रहे हमारे साथ रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।